Good morning, class. Today we are going to study about osteoporosis, your new topic. Osteoporosis का मतलब है, पहले अगर हम इस word को तोड़ें, osteoporosis, तो osteo plus porosis. जैसा कि मैंने class में भी बताया है, osteo का मतलब होता है bone, and porosis का मतलब होता है porous. तो कोई भी आपके bone की ऐसी condition, जिसमें कि आपका bone का porous, आपकी bone porous हो जाए, उसमें जो कैल्शियम के डिपॉजिट्स हैं, जो उसका बोन मास डेंसिटी है वो कम हो जाए और आपकी बोन पोरस हो जाए, उस कंडीशन को बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस. इसमें लिखा भी है, ऑस्टियोपोरोसिस वाज डिफाइंड एज अ प्रोग्रेसिव स्केलेटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लो बोन मास एंड माइक्रो आर्किटेक्चरल डिटोरिएशन ऑफ बोन टिश्यू. मतलब प्रोग्रेसिव स्केलेटल डिसऑर्डर, प्रोग्रेसिव मतलब जो धीरे 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 करके बढ़ता है, स्केलेटल डिसऑर्डर मतलब आपके स्केलेटन से रिलेटेड डिसऑर्डर, कैरेक्टराइज्ड बाय लो बोन मास मतलब जिसमें आपकी जो बोन की डेंसिटी है, बोन का जो मास है, कैल्शियम फॉस्फेट का जो लेवल है वो कम हो जाए, एंड माइक्रो आर्किटेक्चरल डिटेरियोएशन ऑफ बोन टिश्यू. मतलब माइक्रो लेवल पे, मतलब बहुत छोटे लेवल पे जो बोन के टिश्यू हैं वो डिटेरियोरेट होने लगे, मतलब वो ख़राब होने लगे, टूटने लगे, लीडिंग टू अ कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन बोन फ्रेजिलिटी, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके जो बोन की इंटेंसिटी है, जो उसकी टाइटनेस है, उसकी जो ताकत है वो कम हो जाए और धीरे धीरे वो फ्रेजाइल होने लगे, टूटने लगे, एंड ससेप्टेबिलिटी टू फ्रैक्चर. और क्योंकि वो बोन कमज़ोर हो जाएगी और कमज़ोर होने के बाद उसके टूटने के, उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे. ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं बोन ऑस्टियोपोरोसिस. नेक्स्ट अगर हम देखें तो आता है, बोन इज़ एन अमेजिंग टिशू, इट इज़ अ टिशू दैट इज़ अलाइव विद अ यूनिक एबिलिटी टू रीमॉडल इटसेल्फ. इसका मतलब है जो बोन है, एक हमारी बॉडी का एक बहुत ही बेहतरीन टाइप का टिश्यू है. ये सबको आपको पता होगा कि जो बोन है वो एक तरह का टिश्यू होता है. तो एक बहुत बेहतरीन टाइप का टिश्यू है जिसके पास अपने आप को शेप करने का, अपने आप को रीमॉडल करने की एबिलिटी है जिसके पास. इट कैन चेंज इट्स डेंसिटी एंड इंटरनल आर्किटेक्चर. मतलब ये अपने अंदर की इंटेंसिटी को भी चेंज कर सकता है और अंदर के आर्किटेक्चर को, मतलब उसको किस तरह से बनी है, किस तरह से उसमें से वेसल्स गई हैं या किस तरह से उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हुआ है, फॉस्फोरस डिपॉजिट हुआ है, ये हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है और चेंज कर सकता है. ऑस्टियोपोरोसिस इज वेरी क्लोजली लिंक्ड विद द नेचुरल एजिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स. मतलब ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसकी बोन्स की बोन मास डेंसिटी कम होती है. तो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग में, अगर वो ओल्ड एज में है, मतलब आपके दादाजी हैं, आपके नाना जी हैं, अगर ओल्ड एज के पीपल हैं, उनकी अगर हम बोन मास डेंसिटी चेक करेंगे तो उनकी बोन मास डेंसिटी भी कम होगी और उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होंगे. बट अंटिल क्वाइट रीसेंट टाइम्स वेरी लिटिल हैज़ बीन डन टू रिकॉग्नाइज इट एज एन एक्चुअल डिजीज प्रोसेस. बट अभी तक ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है जिससे हम ये पता कर पाएँ कि इसका नेचुरल डिजीज प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या. नेक्स्ट इज, ऑस्टियोपोरोसिस विल बी एन इनॉर्मस प्रॉब्लम फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड एंड हैज़ ह्यूज इम्प्लीकेशन बोथ इन टर्म्स ऑफ पर्सनल सफरिंग एंड कॉस्ट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑफ ट्रीटिंग सच अ कंडीशन. मतलब ये एक मॉडर्न टाइम में बहुत पैसा खर्च करने वाला डिजीज़ है जो कि आगे चल के मोस्टली लोगों में मिलेगा, बूढ़े लोगों में तो यूजुअली हो ही जाएगा एंड बूढ़ा हम सबको होना है. तो ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कराने वाला डिजीज़ है. थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड आर अर्ली एडल्ट ईयर्स मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्केलेटल ग्रो अकर. मतलब हम जैसे जैसे बचपन से बड़े होते हैं वैसे वैसे करके हमारी बोन कई तरह से लॉन्गिट्यूडनली भी ग्रो करती है, हॉरिजॉन्टली भी ग्रो करती है और धीरे धीरे करके वो बढ़ती जाती है. अभी हम अगर बात करें स्केलेटल मैच्योरिटी की तो इसमें हम देखेंगे, अ पर्सन्स थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ द पीक बोन मिनरल डेंसिटी इज ऑल्सो रियलाइज. जब पर्सन की थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ आ जाती है तो हमें उसकी बोन में हाईएस्ट बोन मास डेंसिटी मिलती है अगर उसके साथ कोई डिजीज का प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स फॉर मेन एंड वुमेन. मतलब मेन और वुमेन के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या ऐसे हो सकते हैं जो पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करे. लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड टैबलेट्स. मतलब अगर कोई भी मेल हो या फीमेल हो, अगर वो बहुत ज़्यादा दिनों तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड टैबलेट्स अपने ले रहा है, खा रहा है, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है फॉर कंडीशन सच एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अस्थमा.
अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या अस्थमा हो या ऐसा कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो या इम्यूनिटी बेस्ड डिसऑर्डर हो, तो ऐसे में हमें एज ड्रग्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जाता है। अगर हम वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत हाई डोजेज में बहुत रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सेकेंड इज़ क्लोज फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। अगर किसी के घर में किसी को क्लोजली रिलेटेड लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस है अगर, तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेडिकल कंडीशन सच एज कुशिंग सिंड्रोम, लिवर एंड थायराइड प्रॉब्लम। अगर कोई हमारी लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, हमारे थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, कोई सिंड्रोम हो जाए जैसे कुशिंग सिंड्रोम, तो भी मेडिकल कंडीशंस, इनके मेडिकल कंडीशंस की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं दीज ऑल चीज़ें रेगुलेट करती हैं आपकी कैल्शियम और पोटेशियम और बाकी के सारे मिनरल्स का रेगुलेशन, जो कि आपकी बोन बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। माल अब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम्स, मतलब आप खाना खा रहे हो, आप कैल्शियम भी ले रहे हो, फॉस्फोरस भी ले रहे हो, मैग्नीशियम भी ले रहे हो, आप सारे एसेंशियल मिनरल्स ले रहे हो, बट वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, माल अब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो ऐसे ही वेस्ट चला जा रहा है आइदर बाई योर फीसेज या फिर बाई यूरिन, तो भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस रहेंगे। जैसे कि अगर किसी को सीलिक डिजीज़ है, क्रोन्स डिजीज़ है, इंटेस्टाइन का डिजीज़ है, या फिर गैस्ट्रिक सर्जरी हुई है, मतलब उसके पेट की सर्जरी हुई है, क्योंकि हमारा सारा एब्जॉर्प्शन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म इमोबिलिटी। अगर कोई बहुत टाइम से इमोबाइल है, सपोज किसी को फ्रैक्चर हुआ है एंड बहुत सीवियर वाला क्रश्ड इंजरी हुई है, एंड उसकी वजह से ही इज़ बेड रिडन, या कि कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से वो बेड रिडन है, तो भी उसको ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। हैवी अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, शराब पीना या सिगरेट से, पुअर डाइट, अगर आपकी डाइट ही ख़राब है, एंड लो बॉडी वेट इन प्रोपोर्शन टू हाइट। अगर पेशेंट की बॉडी वेट बहुत कम है हाइट के बराबर, मतलब हाइट बहुत ज़्यादा है लेकिन वेट बहुत कम है, तो भी उसको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस रहेंगे। रिस्क फैक्टर्स फॉर वेमेन, मतलब अब वेमेन में मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? लैक ऑफ ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, अगर उसकी कमी होती है तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ऑस्टियोपोरोसिस इज मच मोर कॉमन इन फीमेल्स दैन इन मेल्स। इसका रीज़न है क्योंकि अर्ली मेनोपॉज, अगर फीमेल में मेनोपॉज जल्दी हो जाए, मतलब 45 ईयर्स से पहले, अर्ली हिस्टेरेक्टमी, पर्टिकुलरली व्हेन बोथ ओवरीज आर रिमूव बाय ओवरेक्टमी, मतलब अगर उसका हिस्टेरेक्टमी कर दिया जाए पेशेंट का, और उसमें से ओवरी का भी उसमें से ओवरी का रिमूवल हो जाए, तो भी ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन कम हो जाता है। मिसिंग पीरियड्स फॉर 6 मंथ्स और मोर, अगर 6 मंथ से ज़्यादा पीरियड्स मिसिंग हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर एक्सरसाइजिंग और ओवर डाइटिंग, अगर बहुत ज़्यादा फीमेल डाइटिंग कर रही है या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही है, और जिसकी वजह से उसके 6 मंथ से ज़्यादा के लिए पीरियड्स मिस हुए हैं, तब भी चांसेस हैं कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, क्योंकि उसमें ईस्ट्रोजन का लैक हो जाएगा। अब मेल्स में या मेन में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? लो लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अगर टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल्स का हार्मोन है, अगर वो कम हो जाता है तो भी उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट इज कॉमन साइट्स ऑफ फ्रैक्चर रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब अगर ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो कौन सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे? तो मोस्ट कॉमन जो है वो आपकी 3 साइट हैं। फर्स्ट इज़ योर रिस्ट, मतलब आपकी कलाई, सेकंड इज़ योर स्पाइन, मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी, एंड थर्ड इज़ योर हिप, मतलब आपका कूल्हा। दीज पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन आर प्रीडोमिनेंटली मेड अप ऑफ कैंसलस बोन, ये मोस्टली कैंसलस बोन का बना हुआ होता है ये तीनों पार्ट्स। इन ब्रिटेन फ्रैक्चर रेट फॉर वुमेन फॉर हिप स्पाइन एंड डिस्टल फोरआर्म इज 14%, 11% एंड 13%, मतलब हिप का फ्रैक्चर 14% तक कॉमन है, स्पाइन का फ्रैक्चर 11% तक कॉमन है, एंड फोरआर्म का फ्रैक्चर 13% तक कॉमन है, जबकि मेल में यही सारे 3%, 2% एंड 2% है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ऑस्टियोपोरोसिस इज मच मोर कॉमन इन फीमेल्स, क्योंकि उनके अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी बहुत नॉर्मल चीज़ों से भी हो सकती है, बहुत नॉर्मली कंडीशंस में भी हो सकती है, एंड सबसे बड़ा कॉज है मेनोपॉज। इसी वजह से ओल्ड फीमेल्स जो होती हैं उनको ज़्यादा ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशंस फेस करनी पड़ती हैं। नाउ नेक्स्ट इज जो सिम्टम्स एंड क्लिनिकल फीचर्स। तो सिम्टम्स में ऑस्टियोपोरोसिस इज अ साइलेंट कंडीशन, ऑफन गिविंग नो इंडिकेशन ऑफ इट्स प्रेजेंट। मोस्टली ये होता है कि हमारी बोन है, आज भी हो सकता है मेरी बोन में ऑस्टियोपोरोसिस हो, मेरी बोन मास डेंसिटी कम हो, कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी हो, बट क्योंकि मुझे उसका कोई सिम्टम नहीं मिल रहा है, ना तो पेन हो रहा है, ना कोई चोट लग रही है, ना कोई दर्द हो रहा है,
कुछ भी नहीं पता चल रहा है, इसकी वजह से ये साइलेंट पड़ा रहेगा, और जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जाएगी, क्योंकि मुझे पता नहीं है इसके लिए, मैं कोई प्रिकॉशन भी नहीं लूँगी, कुछ उसके लिए करूँगी भी नहीं, तो बोन मास डेंसिटी टाइम टू टाइम और ज़्यादा कम होती जाएगी, और जैसे जैसे बोन मास डेंसिटी कम होगी वैसे वैसे हमारी बोन ऑस्टियोपोरोटिक होती चली जाएगी। तो इट इज़ वेरी साइलेंट इन नेचर, मतलब जब तक आपका फ्रैक्चर ना हो जाए, आप कहीं गिर के, कॉमनली जो होता है, कहीं गिर के आपकी बोन का फ्रैक्चर ना हो जाए, और फिर वो एक्सरे में जब आप देख ना लो, कोई सी को पता नहीं चलता कि उसकी बोन ऑस्टियोपोरोटिक है। वन कैन नॉट फील चेंजेस इन बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी में कोई चेंज अगर हो भी रहा है तो आप फील नहीं कर सकते हो। एंड विदाउट नॉलेज ऑफ द रिस्क फैक्टर्स, द फर्स्ट थिंग टू अलर्ट द इंडिविजुअल टू अ प्रॉब्लम मे बी अ फ्रैक्चर। जो आपको ऑस्टियोपोरोटिक के बारे में बताएगा सबसे पहले वो है फ्रैक्चर, बाय विच पॉइंट देयर हैज़ ऑलरेडी बीन सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी। जैसे सपोज हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते खेलते अचानक से हमारा पैर छोटे से पत्थर से टकराता है और हम गिर जाते हैं, और गिरने के बाद हम जब डायग्नोसिस के लिए जाते हैं तो पता चलता है मेरी हिप में फ्रैक्चर हुआ है, या मेरी हिप बोन में फ्रैक्चर हुआ है, या मेरी फीमर में फ्रैक्चर हुआ है, या मेरी रिस्ट में फ्रैक्चर हुआ है, जो कि नॉर्मली गिरने पर नहीं होना चाहिए था, बट मेरे थोड़े से झटके लगने पर मैं गिरी और उससे मेरा फ्रैक्चर हुआ। तो इससे एक शक ये होता है कि कैसे, इसका मतलब है कि बोन कहीं ना कहीं वीक रही होगी इसीलिए उसका फ्रैक्चर हुआ। तब जब एक्सरे होगा तो ये पता चलेगा कि जिस प्लेस पे हमारी बोन मास डेंसिटी कम थी बोन की, वहाँ से हमारी बोन फ्रैक्चर हुई है। तो फ्रैक्चर इज़ द मोस्ट कॉमन साइन या सिम्टम जो कि ये इंडिकेट करता है कि आपकी बोन ऑस्टियोपोरोटिक हो सकती है। द फैक्ट दैट पीपल डू नॉट सफर प्रॉब्लम्स विद पेन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द कंडीशन इज अ गुड थिंग, बट द लैक ऑफ एन एनी अर्ली वार्निंग साइन ऑफन मीन्स इग्नोरेंस ऑफ बोन इल हेल्थ अंटिल ऑस्टियोपोरोसिस एस्टैब्लिश वे फ्रैक्चर्स अकरिंग। ये अच्छी बात होती है कि हमें कोई साइन नहीं मिलता, बट कई दूसरी तरफ यही गलत चीज़ है, क्योंकि हमें साइन नहीं मिलता तो हम उसके लिए कोई प्रिवेंशन नहीं करते, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं करते जब तक कि हमारी बोन फ्रैक्चर नहीं हो जाती। नेक्स्ट इज आर कॉम्प्लिकेशंस, मतलब अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमको मिल सकते हैं। वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स आर ऑफन द मेन कल्प्रिट, मतलब अगर हमारी स्पाइन में फ्रैक्चर हो जाए, सोचो अगर हमको सिम्टम्स नहीं पता चल रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमारी बोन में क्या क्या सिम्टम हो रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है, और सडनली हमारी स्पाइन फ्रैक्चर हो जाती है। स्पाइन फ्रैक्चर होने का मतलब है वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो जाती है, जहाँ से हमारी मेन लाइफ लिविंग का रीजन निकलता है, मतलब हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, स्पाइन निकलती है, स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, वहाँ पर फ्रैक्चर हो जाता है। मल्टीपल वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स कैन इवेंचुअली लीड टू काइफोसिस, अगर बहुत सारे वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से काइफोसिस बन जाता है, मतलब पीछे से हमारी बैक थोरैसिक रीजन से उठ जाती है। अ कर्वेचर ऑफ द टॉप ऑफ द स्पाइन ऑफन रेफर टू एज डोवागस हम्प, मतलब काइफोसिस का दूसरा नाम है डोवागस हम्प। दे कैन ऑल्सो कॉज कंसिडरेबल लॉस ऑफ हाइट, उसकी वजह से हाइट का भी लॉस हो सकता है। स्पाइनल कर्वेचर एंड हाइट लॉस लीड टू रिड्यूस स्पेस फॉर द इंटरनल ऑर्गन्स। अब क्योंकि हमारा स्पाइन का कर्वेचर खराब हो गया है और हमारी बॉडी आगे की तरफ झुक गई है, तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी आपस में चिपक जाएंगे, उनको जगह कम मिलेगी, जो उनको स्पेस मिलनी चाहिए उतनी जगह उनको नहीं मिल पाएगी। दिस टेंड्स टू इन्वॉल्व द लंग्स, स्टमक, ब्लैडर एंड बॉवल इन पर्टिकुलर। क्योंकि स्पेस कम होगी तो सबसे पहले हमारे लंग्स की स्पेस कम हो रिड्यूस की होगी, स्टमक की होगी, उसके बाद फिर उसके बाद ब्लैडर की, यूरिनरी ब्लैडर की, एंड उसके बाद बावल की स्पेस कम होती चली जाएगी। पीपल कैन फाइंड देमसेल्व्स फीलिंग मोर शॉर्ट ऑफ ब्रेथ एज द लंग्स डू नॉट हैव द रूम टू फिल टू कैपेसिटी एंड एक्सपेंड प्रॉपरली। अब क्योंकि हमारे लंग्स के पास उतना स्पेस नहीं है कि वो हवा लेके फूल पाएँ, तो यूजुअली लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगता है, डिस्निया होने लगता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगती है, क्योंकि उनकी लंग्स एक्सपेंड नहीं कर पा रहे। एक्सपेंड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं है। जगह क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी बॉडी आगे की तरफ झुक चुकी है, हमारे स्पाइन में फ्रैक्चर हो चुका है, जिसकी वजह से काइफोटिक कर्वेचर जनरेट हो चुका है। दे विल ऑल्सो फील ईजिली फुल आफ्टर स्मॉल पोर्शंस ऑफ फूड एंड ऑफन लूज देयर एपेटाइट, क्योंकि उनका पेट भी सिकुड़ गया है, तो उसकी वजह से भी वो कम खाना खाएंगे और उनको कम भूख लगेगी, जो जिसकी वजह से न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में पूरी तरह से नहीं पहुंच पाएगा और हमारी बॉडी में बोन मास डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट इज योर इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस इज समटाइम्स डायग्नोज प्योरली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन्स मेडिकल हिस्ट्री और इवन फिजिकल अपेयरेंस। ऑस्टियोपोरोसिस चेक करने के लिए सबसे पहले हमें पेशेंट की पूरी स्ट्रेंथ देखनी होगी, हमें उसकी स्ट्रेंथनिंग
एक्सरसाइज करवाकर या रेजिस्टेंस लगाकर उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी पड़ेगी, मेडिकल हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, क्या उसके कोई ऐसे ड्रग्स लिए हैं, क्या उसने कोई ऐसी दवाई खाई है, या उसका कभी ऐसी कोई फ्रैक्चर हुआ है जिसका उसने ट्रीटमेंट लिया, ये सारा चीज़ें हमको उसकी जाननी पड़ेंगी, और उसकी फिजिकल अपीयरेंस से भी काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज थ्री टाइप्स ऑफ स्कैंस जो कॉमन होते हैं, इज फर्स्ट हिप एंड स्पाइन डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शन, मतलब जिसको हम DXA बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पेरिफेरल DXA एंड सिंगल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टीमेट्री, एंड थर्ड वन इज अल्ट्रासाउंड। हम बोन मास डेंसिटी टेस्ट भी करा सकते हैं। अदर मेथड्स में हम CT स्कैन भी कराते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, प्लेन एक्सरे भी कराते हैं, यूरिन टेस्टिंग टू मेजर ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स। यूरिन टेस्ट इसलिए कराते हैं ये देखने के लिए कि हमारी बॉडी में से क्या क्या ब्रेक डाउन हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी मिनरल, कोई भी सब्सटेंस ब्रेक होगा तो उसके जो रेसिडुअल पार्टिकल्स हैं वो हमारी यूरिन के थ्रू ही पास आउट होंगे, तो ये चेक करने के लिए यूरिन टेस्ट भी कराया जाता है। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए बस इतना ही। नाउ अभी हमारा ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बचा है एंड फिजिकल मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बचा है, विच वी विल बी कंप्लीटिंग इन आर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।